टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज एक्सेल एज अ गूगल। तो हम लोग एक्सेल डेली वर्क के लिए यूज करते हैं, इवन गूगल भी यूज फॉर फाइंडिंग आउट, सर्चिंग आउट फॉर स्टफ। बट आज हम सीखेंगे कि कैसे हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं और गूगल के साथ में एक्सेल का यूज कैसे होगा। एक्सेल में आप गूगल के फीचर्स कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। सो ऑन अ संडे मॉर्निंग पीपल हैव टर्न अप, दैट मींस यू आर ईगर टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। और ये फीचर मैं मुझे भी थोड़े दिन पहले ही आई एक्सप्लोर दिस, तो आई थॉट लेट लेट इज शेयर विद ऑल द पीपल सो दैट मैक्सिमम कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट अस स्टार्ट। सो इज आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल। I'll require some feedback from your side because it is a online session, so we are not present physically, but we are connected virtually. So I'll request one or two participants to be active in the chat box. Yes, thank you, Deepika, thank you, Nalan. Okay, now see, I'm using Excel 365 version. So if you're using a lesser version, maybe this all may not work in your एक्सेल। अगर आप 2007, 13, 19, 19 में काम करेगा, लेकिन 2007, 10, 13 यूज कर रहे हैं तो उसमें नहीं करेगा। बट यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन अपडेट योर एक्सेल वर्जन। और आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यू कैन गो टू द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट एंड यू कैन क्रिएट एन अकाउंट ओवर देयर, और वहां पे आप एक्सेल यूज कर सकते हैं। इवन जितनी भी एप्स होती हैं 365 में, इट इज ऑल अवेलेबल टू यूज फॉर फ्री। तो यू कैन लॉग इन देयर एंड यू कैन यूज। नाउ Why this concept has come using Excel as Google? ठीक है, तो ये कहाँ आया कि अगर आप देखेंगे एक्सेल में जनरली हम क्या काम करते हैं कि जब हमें कोई लिस्ट बनानी होती है या कोई डेटा एनालाइज करना होता है या हमारे अकाउंटिंग होती है, उसकी जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो एक्सेल में होती है, कोई भी लिस्ट जनरेट करनी होती है वो एक्सेल में होती है। बट एक्सेल इज नॉट अ टूल जस्ट टू रिकॉर्ड डेटा और टू प्रिपेयर योर अकाउंट्स, बट इट हैज बिकम अ लॉट मोर देन दैट। और आज इस सेशन में आप देखेंगे कि एक्सेल कितना एडवांस हो चुका है और हमें कितना एडवांस होने की जरूरत है एक्सेल के साथ। सो लेट अस स्टार्ट। अब इन आई विल जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल। देखिए, कुछ नाम मैंने लिखे हैं, रैंडम नेम्स आई हैव टेकन। जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑन हाउ टू यूज एक्सेल एज अ गूगल, और फिर हम थोड़ा सा डीप डाइव वर्क करेंगे और अलग अलग सेगमेंट में जाके चेक करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगह आप गूगल यूज कर सकते हैं ऐसा एक्सेल को। नाउ मैंने कुछ रैंडम नेम्स लिखे हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अजमेर, नरेंद्र मोदी, ताजमहल, शोले, मैंगो, आलिया भट्ट, कोविड-19 एंड गूगल। ठीक है, और लास्ट में लिखा मैंने USD INR। और ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप सब जानते हैं या जो रेगुलरली हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ हाउ वी कैन सर्च ऑन गूगल अबाउट दीज। ठीक है, गूगल पे हमें सर्च करना बहुत इजी है। अगर मैं गूगल मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आई ओपन गूगल और मैंने यहाँ पे लिखा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और मैंने पूरा लिखा भी नहीं, उससे पहले इसने ऑप्शन दे दिए, क्योंकि ये गूगल की मेमोरी में होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो TCS की वेबसाइट बता दी इन्होंने और वो खुल जाएगी, बट मुझे टाटा कंसल्टेंसी की सर्विसेज नहीं दिखनी है, मुझे उसका शेयर का प्राइस देखना है। तो आई एम राइटिंग टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शेयर प्राइस, और आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ग्राफ के साथ में आज का प्राइस दिख रहा है। तो दिस इज जनरली वी आर डूइंग When you want to search on Google, but ये डेटा अगर आपको कैप्चर करना है और इसके साथ में आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन नीचे दिख रही है कि ओपन कितने पे हुआ, हाई कितने पे गया, लो कितना था, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पी रेशियो क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू कैप्चर। सो हाउ विल यू कैप्चर दिस इंफॉर्मेशन ऑन एक्सेल? सपोज आपको आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं और आपको 10 स्टॉक का ये सारा डेटा एक साथ चाहिए, हाउ विल यू डू इट? Can anyone tell me? कैसे करना होगा हमारे को एक्सेल में अगर हम ये करना चाहते हैं तो?
you can reply in the chat box or you can unmute yourself and answer. So one of the most basic ways to do it is to just collect it one by one and then create a table. That is right. Layman would do. That is what you mean to say कि हम manually हमें करना पड़ेगा कि हम जितने भी shares हैं सबके नाम Google पे लिखे वहां से data उठाएं और copy paste करें, ठीक है? But अगर वो ही करना है तो it will become a very cumbersome process और आप थक जाएंगे. अगर किसी का 50 shares है 40 shares है वो कैसे करेगा? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ऑटोमाइज कर सकते हैं हम चीजों को एंड हाउ यू कैन सेव टाइम एंड इम्प्रूव ऑन योर एफिशिएंसी यूजिंग एक्सेल, ठीक है? अब देखते हैं. अब ये टीसीएस की हमने शेयर की बात करी, उसके बाद अजमेर है. अब आप गूगल पे अजमेर अगर डालेंगे तो अजमेर के बारे में आपको काफी सारी चीजें दिखाई देगी कि अजमेर की पॉपुलेशन क्या है, एरिया का है, लोकेशन क्या है, मैप क्या है, ये सब चीजें अगर मैं आपको कहूँ कि मैं विदाउट गूगल पे जाए एक्सेल में दिखा सकता हूँ आपको, तो कैसा लगेगा? आई थिंक संडे की मीटिंग अटेंड करना साकार हो जाएगा सबका, राइट? नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर आपको कुछ पता लगाना है, ताजमहल, शोले मूवी, मैंगो, अलग अलग आइटम्स लिए हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि हाउ दिस मैजिक हैपेंस, ठीक है? राइट, सो वी हैव टू गो टू डेटा टैब, ठीक है? डेटा टैब में हम जाएंगे और ये आपको नॉर्मल एक्सेल में नहीं मिलेगा. नॉर्मल मतलब ये जो पुराने वर्जन से 13, 17 उसमें नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 19 या 365 यूज कर रहे हैं तो उसमें मिलेगा. डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू अपडेट योरसेल्फ, ठीक है? हम एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, ऐप भी अपडेट करते रहते हैं, तो हमें ये सब सॉफ्टवेयर जो डेली यूज आते हैं उनको भी अपडेट करना चाहिए. तो मैं डेटा टैब में गया. डेटा टैब में यहाँ पे आपको ये डेटा टाइप एक स्क्रीन देखेगी, एक फंक्शन देखेगा, है ना? वो 365 या अपर वर्जन में आपको देखेगा. और यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज नजर आ रही है, करेंसी, स्टॉक, ऑटोमेटिक, फिल्म्स, योगा, स्टॉक्स, करेंसी, ज्योग्राफी, हाईलाइटेड और वॉल फॉर्म. अब ये वॉल फ्रेम क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ये दिखाना चाहता हूँ कि हाउ डज इट वर्क, ये एक्सेल का जो यूटिलिटी है काम कैसे करता है. मैं यहाँ पे जाके सिर्फ ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा. पहले करना क्या है कि जो भी डेटा हम एनालाइज करना चाहते हैं उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे. सो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दिस कॉलम बी और ये जितने भी मैंने चीजें लिख रखी है यहाँ पर वो सब सिलेक्ट हो गई है, ठीक है? इंक्लूडिंग द यूएसडी एंड आईएनआर. नाउ आई एम अगेन गोइंग टू डेटा टैब और वहां जाके आई एम क्लिकिंग ऑन ऑटोमेटिक. अब एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक सेकंड बाद आप आंखें खुलिएगा, ठीक है? 30-20 सेकंड यू कैन क्लोज योर आईज एंड व्हेन यू ओपन योर आईज यू विल सी समथिंग डिफरेंट, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने जो नाम लिखे थे उसके साथ में कुछ सिंबल्स एसोसिएट हो गए हैं, ठीक है? कुछ सिंबल्स आ गए ऑटोमेटिकली, वो एक्सेल लेके आया है, ठीक है? अब कहीं जगह क्वेश्चन मार्क आ रहा है और कहीं जगह कुछ और सिंबल बन के आ गया. नरेंद्र मोदी के सामने एक पर्सन टाइप एक डमी बन गया है, शोले के साथ में कैमरा बन के आया है, आलिया भट्ट के सामने एक पर्सन बन गया है, कोविड के साथ एक इंजेक्शन बना हुआ है, बाकी सब जगह क्वेश्चन मार्क. अब हाउ टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन मार्क वो हम देखते हैं, ठीक है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब उसको ये टीसीएस नहीं मिला, ठीक है? अब हम इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे. बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज पहले हम वो देख लेते हैं जो उसको मिल गया है. तो आई एम गोइंग टू नरेंद्र मोदी फर्स्ट एंड देन आई विल कम बैक. तो जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी के साथ में जो एक आइकन बना हुआ था एक ह्यूमन का उस पे जैसे ही क्लिक करा तो यू कैन सी इट इज शोइंग मी द पिक्चर, ठीक है? पूरा नाम बता रहा है नरेंद्र दामोदर मोदी, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ बता दी 17/9, प्लेस ऑफ बर्थ बता दिया, ऑक्यूपेशन बता दिया पॉलिटिशियन, और विकीपीडिया से एक समरी लेके आ गए. उसके बाद आपको फिजिकल कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, हाइट कितनी है, वेट कितना है, ठीक है? फैमिलियल रिलेशंस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं, स्पाउस का नाम आ गया, ठीक है? नेटवर्थ अगर कोई जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी की नेटवर्थ क्या है तो यहाँ पे $1,00,000 दिखा रहा है ये, ठीक है? नाउ ये सब जो डेटा है ना, हाउ ऑथेंटिक इट इज, ये
वॉल्व फ्रॉम डेटा टाइप, वहां से आया है, ठीक है, वो हम उस साइट पे भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि हाउ दिस फंक्शन वर्क। नाउ ये डेटा हमारे को यहाँ से एक टूल के जरिए मिल गया है, बट क्वेश्चन ये है कि ये डेटा एक्सेल में कैसे आएगा विदाउट कॉपिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम गूगल, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वापस, और ये देखिए फोटो के पास में एक प्लस साइन दिख रहा है आपको, एक लिस्ट टाइप बनी हुई है, साथ में ग्रीन प्लस साइन है, आप उस पर क्लिक करें। What happens? ठीक है, it might take some time because it is taking some data from the internet. तो थोड़ा सा time लगेगा, लेकिन हाँ आपको चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी यहाँ पे। यहाँ आ गया एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट। एक मैं इसको एक नई शीट पे कॉपी करके बना लूं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, मे बी वहां पे टेबल फॉर्मेट में था इसलिए डेटा नहीं आ रहा था, आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी डिटेल आप चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया नेम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेम आ गया। उसके बाद आई वॉन्ट अ इमेज, तो ये इमेज भी आ गई, ठीक है। अभी बहुत छोटी दिख रही है, इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा कर देते हैं तो ये देखिए ये इमेज भी आ गई, ठीक है। सो व्हाट एवर डेटा यू वॉन्ट टू हैव, आप सिर्फ ऑन अ क्लिक ऑफ बटन यू कैन गेट। देन आई वॉन्ट द डेट ऑफ बर्थ, सो इन द नेक्स्ट कॉलम आई एम गेटिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। देन आई वॉन्ट नेटवर्थ, I'm getting the net worth also. Then I want place of birth and occupation. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये सारी information एक साथ record हो रही है, ठीक है। ये place of birth भी आ गया है और ये occupation भी आ गई है, ठीक है। This was all about Narendra Modi, जो जो हमने चीजें यहाँ पे ली है, ठीक है। Now If you want to know about Taj Mahal, ठीक है, अब हम Taj Mahal की बात करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे क्लिक, I think this is giving problem because of the table. Okay, I'm just copying this data to a new sheet, और हम वहाँ काम करते हैं। ठीक है, अभी हम TCS पे आ जाते हैं, Tata Consultancy Services पे मैं गया, मैं डेटा टैब पे गया, डेटा टैब पे मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मार्क आ गया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलेटेड कुछ मिला नहीं, मैं यहाँ पे इसके बारे में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी जस्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे आप जाके, आपको पता है आपको स्टॉक के बारे में सर्च करना, आप इसको स्टॉक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी में यू गो टू स्टॉक्स एंड यू क्लिक ऑन स्टॉक्स,
ठीक है. नाउ यू सी के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड लिखा हुआ गया, हमने सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिखा था, तो जो कंपनी का प्रॉपर नाम है वो आ गया है यहाँ पर. ठीक है, उसी के साथ में यू आर सीइंग अ नंबर ओवर हियर. ठीक है, ये क्या है और एक्स बॉम क्या है? कैन एनीवन गेस व्हाट इज दिस इन द ब्रैकेट? और यहाँ पे आपको देखिए एक एक बिल्डिंग सी एक इमेज बनी हुई आ रही है. ठीक है, जब व्हेन यू क्लिक हियर तो देखिए आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का शेयर का प्राइस बता दिया है. ठीक है, 15 मिनट्स डिलेड. ठीक है, टुडे इज संडे, यस्टरडे वाज सैटरडे, तो दोनों दिन नॉन वर्किंग डे था फॉर बीएससी एनएससी, देयर वाज नो ट्रेडिंग. तो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो दिखा रहा है यहाँ पर. ठीक है, 24/4 का, दैट वाज ऑन फ्राइडे. ठीक है, अब हमें ये इससे रिलेटेड सारी डिटेल लेनी है. ठीक है, तो मैं आपको जब हम स्टॉक्स को डिफाइन देखेंगे तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स देख लेंगे. अभी एक्सचेंज, ये जो आपको यहाँ पे BOM दिख रहा है, इट इज द एक्सचेंज वेयर इट इज लिस्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. अगेन इसी आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है, ऑफिशियल नेम आ गया, लास्ट ट्रेडेड टाइम आ गया है, टिकर सिंबल. ठीक है, जब भी हम किसी स्टॉक को रेफर करते हैं तो उसका एक सिंबल होता है, टिकर नंबर होता है. चेंज बता दिया है INR में, प्रीवियस क्लोज बता दिया, ओपन बता दिया, हाई बता दिया, एवरीथिंग यू आर गेटिंग टू सी हियर. मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपको यहाँ दिख रहा है, बीटा भी दिख रहा है, PE भी दिख रहा है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग, टाइप ऑफ स्टॉक, इंस्ट्रूमेंट, ईयर इनकॉर्पोरेटेड, डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट ऑल, एम्प्लॉइज, हेडक्वार्टर्स का एड्रेस भी आ गया यहाँ पर और इंडस्ट्री टाइप भी आ गया. सो ये सारी इंफॉर्मेशन एट वन गो यू कैन कैप्चर. ठीक है, दैट विल सी इन शॉर्टली. ठीक है, अब हम आते हैं शोले मूवी पे. ठीक है, यहां पे मैं क्लिक करता हूं इसके आइकन पे एंड यू विल सी, सबसे पहला तो पोस्टर दिखा दिया शोले का. ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर का नाम आ गया, प्रोड्यूसर का नाम आ गया, रिलीज डेट आ गई, रन टाइम कितने मिनट्स की मूवी है, राइटर कौन है, जनरी में एक्शन एडवेंचर या किस टाइप की मूवी है, लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है, कंपनी जिसने बनाई थी सिप्पी फिल्म्स, और कास्ट इफ यू वांट टू सी तो आपको देखिए कास्ट में अमिताभ बच्चन, ये सारी पूरी कास्ट जो है वो सब यहाँ से नजर आ रही है. ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप क्लिक करेंगे तो यू विल कम टू नो. अच्छा, एक अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसके अंदर डीप डाइव ऑन कर सकते हैं. अब जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा सिंबल पे तो यू विल गेट टू नो अबाउट अमिताभ बच्चन. दैट मींस वी डोंट हैव टू गूगल एनीथिंग नाउ, सारी चीजें आपको यही एक्सेल में मिलती जाएगी, प्लस वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड भी होती जाएगी. नाउ अमिताभ बच्चन का नाम आ गया, मैं इनका डेट ऑफ बर्थ जानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाऊंगा और मैं डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगा तो डेट ऑफ बर्थ आ गई. ठीक है, हाइट देखना चाहेंगे तो ये हाइट आ गई है. ठीक है, ये इंचेस या कोई और पैरामीटर में आ रही होगी, इसको चेंज कर सकते हैं. खैर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिफोर वी कम टू स्टॉक्स, ठीक है, क्या क्या चीजें हम सर्च कर सकते हैं एक्सेल में. ठीक है, तो कैटेगरीज में आपको बताता हूँ. स्टॉक देखा हमने, करेंसीज है, फिल्म है, योगा. योगा के पोजेज लाइक अगर आपको जानना है योगा के बारे में, ठीक है, तो वो आप काम में ले सकते हैं. मेडिकल चीजें भी मिल सकती है, लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिटीज अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं टू सम अदर सिटी, सम अदर कंट्री और वहां के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. ठीक है, इफ यू वांट टू हैव अ मैप ऑफ एनी कंट्री यू कैन सी दैट, आप वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का वेदर, ये सब चेक कर सकते हैं ऑन दिस एक्सेल शीट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ये मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से. हम देखते हैं COVID-19. ठीक है, बहुत तंग किया हमें कोविड ने. अब अगर आप कोविड को स्टडी करना चाहते हैं, कोविड पे अगर कोई थीसिस बना रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो ये नेम आ गया. ठीक है, उसके बाद कॉजेज अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर कॉज आ गया, मेडिकल स्पेशलिटी, इन्फेक्शियस डिजीज, ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर. देन यू वॉन्ट टू सी सम डेटा. ठीक है, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो दीज आर द सिम्टम्स. सो वी आर डूइंग अ रिसर्च इन एक्सेल. हैव यू एवर इमेजिन, कभी आपने सोचा था
कि एक्सेल को इस तरीके से भी यूज में लिया जा सकता है. एंड ट्रीटमेंट, इफ यू वांट टू सी, तो ट्रीटमेंट हमने देखा था, सपोर्टिव केयर आ रहा है, ठीक है. मैक दिस इज वर्किंग ऑन इट, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. अब हम आते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज में, यूएसडी आईएनआर. नाउ सपोज यू आर अ ट्रेडर और आप एक्सपोर्टर है या इम्पोर्टर है और आपको करेंसीज का वैल्यूएशन देखना पड़ता है कि क्या रेट चल रही है, कैसा है, या आप करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, तो यू कैन यूज दिस फीचर, ठीक है. और यहाँ पे आप करेंसीज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यूएसडी आईएनआर के साथ एक सिंबल एसोसिएट होगा. अभी ये मुझे सारी इंफॉर्मेशन देगा अबाउट दिस टू करेंसी सेट, ठीक है. इसका प्राइस क्या चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, एवरीथिंग. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डेटा टाइप इन एक्सेल. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉक्स, ठीक है. तो मैंने ये शीट पहले से बना रखी थी, कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे नाम डाले हैं, ठीक है. एशियन पेंट्स, बेल, पेटीएम, ग्रासिम, आईसीआईसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ONGC, टाटा मोटर्स, विप्रो, TCS, टेस्ला एंड गूगल. इसमें से 10 कंपनीज जो इंडिया में लिस्टेड है, दो मैंने यूएस की कंपनीज दी है, टेस्ला एंड गूगल, ठीक है. नाउ यू वॉन्ट टू हैव सम डेटा ओवर हियर और वो आप स्टोर करके रखना चाहते हैं. ये सपोज किसी के पोर्टफोलियो में ये शेयर्स हैं और वो ये ट्रैकिंग शीट बना रहा है अपने लिए कि मैं अपने स्टॉक्स को एक्सेल में कैसे ट्रैक कर पाऊंगा. तो करना क्या है, ये आप सेलेक्ट कर लें, आपको स्टॉक्स पे क्लिक करना है, अगेन डेटा टैब में स्टॉक्स पे क्लिक करना है. When you click on the stocks, you see that all these have changed. जो हमने नाम लिखे थे, छोटे छोटे symbols लिखे थे, वो सारे proper नाम के साथ with their ticker symbol and their exchange यहाँ पे आ गए. Tesla में वो confused हो गया है क्योंकि Tesla दो तीन जगह पे listed है, जैसे NASDAQ में भी है, Tesla का कोई mutual fund भी है, stock OTC markets में भी है, तो हम लोग को तो NASDAQ वाला चाहिए, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया. नाउ यू हैव गॉट ऑल दिस इंफॉर्मेशन. अब करना क्या है, सारा एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्लिक ऑन दिस. एंड व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट, सबसे पहला हम क्या देखना चाहेंगे इसका, ऑब्वियसली प्राइस, ठीक है. किसी को लेना है, किसी को बेचना है, किसी को पता लगाना है कि क्या चल रहा है, तो सबसे पहला हम प्राइस ले लेते. तो यहाँ पे आपके पास प्राइस आ गया, ठीक है. अच्छा, एक चीज और है, अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है. हाउ टू कन्वर्ट एनीथिंग टू अ टेबल, ठीक है. सेलेक्ट कर लें और इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे आप टेबल क्लिक कर लें, ठीक है. और यहाँ पे ओके कर, तो ये टेबल में क्लिक, टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. नाउ उससे फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ. ये आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अब वापस हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और अब मैं प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे कॉलम वन आ गया, यहाँ पे आप इसका प्राइस ये मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज द प्राइस. सेकंड वापस आप क्लिक करेंगे, नाउ आई वांट टू सी द 52 हाई. तो अभी मेरे को लिखना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है कि दिस इज द 52 हाई. देन नेक्स्ट आई वांट टू नो द 52 लो, तो ये 52 लो इसने यहाँ से ले लिया है. देन आई वांट टू नो द बीटा ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये कितना रिस्की है ये स्टॉक, ठीक है. तो ये बीटा आ गए. उसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट, हाउ मेनी, विच एक्सचेंज इट इज रजिस्टर्ड ऑन. तो मैंने यहाँ पे एक्सचेंज किया, तो जो NSE में था वो NSE में आ गया, ठीक है. ये ICICI बैंक लिमिटेड लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे है, टाटा मोटर्स मैक्सिकन स्टॉक एक्सचेंज पे ले लिया. आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है. टाटा मोटर्स पे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, हम कौन से स्टॉक, कौन से एक्सचेंज पे जाना चाहते हैं, ठीक है. अभी फिलहाल हम इसको डीप डाइव नहीं करते, आगे ऑप्शंस देखते हैं. इफ यू वांट टू सी द हेडक्वार्टर्स, तो आपको पूरा पूरा एड्रेस दिख गया कि ये कंपनी कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका. उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो यू क्लिक ऑन इंडस्ट्री और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एशियन पेंट्स इज केमिकल्स. ऐसे ही आपकी जो भेल है वो मशीनरी है, कि प्रोफेशनल सर्विसेज आगे TCS, ठीक है. ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन सी, ठीक है. प्लस इफ यू वांट टू सी द पी रेशियो, तो ये पी भी आपके साथ में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. तो ये टेबल ऑटोमेटिकली बनती जा रही है, ठीक है. और सबसे ब्यूटी क्या है, व्हाट इज ब्यूटी ऑफ दिस फीचर, के
Yes, through this feature, we can enter any data about any topic and convert into a structured information. Yes, making easier and rational that control C and control V. Yes. So this is the beauty. This is what I am talking about. कि अब आपको control C, control V वाली चीजें भूलनी है, ठीक है? और ये नई चीजें अपनानी है कि this is how you can gather the information in a click of a button. If you want to see the volume, कितना trading हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपके पास है. And the beauty is कि this is all live data. That means कि आज संडे है तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप किसी ट्रेडिंग डे में कल ये शीट खोलेंगे आप और देखेंगे तो यू विल सी अ डिफरेंट प्राइस ओवर ईयर. मतलब रियल टाइम बेसिस पे ये डेटा आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है? इवन द वॉल्यूम विल चेंज एज पीपल बाय एंड सेल द सिक्योरिटी, ठीक है? आप देखना चाहते हैं कौन सी ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, कितनी पुरानी है, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा. मतलब आप जो सोच भी नहीं सकते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है. For your analysis, you want to see the number of employees in this particular organization. You can see. So you have to be connected to internet because this data is being taken from the net. ठीक है, real time basis पे ये data pull हो रहा है. ठीक है, BSE से, NSE से, और जो Sensex है वहाँ से, जो indexes हैं. So you have to be connected to the net. Otherwise, this feature will not work. ठीक है. तो गूगल पे भी हमको जाना होता है तो नेट तो चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी आपको नेटवर्क पे होना पड़ेगा, तभी आप इसको काम में ले सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल. ठीक है, नाउ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाउ यू कैन यूज दिस, बिकॉज हम वही चीज सीखना चाहते हैं जो हमारे काम की हो. तो हमने ये तो सीख लिया कि हाँ ऐसी टेबल बन जाएगी, बट हाउ कैन यू बी यूज, यू कैन राइट डाउन द क्वांटिटी दैट यू आर हैविंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स. ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूँ, रैंड बिटवीन. ठीक है, मैं कुछ रैंडम नंबर लेना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सपोज आई वांट टू हैव 100 एंड 200 के बीच में मैं कुछ भी रैंडम नंबर लेना चाहता हूँ. तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा और see on a click of a button I've got a random numbers 100 से लेके 200 के बीच में मुझे कुछ random quantities आ गई हैं. ठीक है, so if you have the quantity and the price, then you can calculate the value itself. ठीक है, so this is how you can create a table for yourself and you can actually check the performance of your stocks. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास value आ गई कि हमारे पास ये value का stock पड़ा है और ये price, तो आपने जो buy price लिया था, ठीक है, यू कैन राइट डाउन योर बाय प्राइस हियर, बाय प्राइस. ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ कुछ एंटर कर सकते हैं. सपोज 3000 मैंने यहाँ एंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने 57 एंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने 600 एंटर कर दिया. ठीक है, ऑल दीज रैंडम नंबर्स आर चेंजिंग, बट ठीक है, यहाँ मैंने 1500 कर दिया है, मैंने 25 रुपए कर दिया, यहाँ पे 2200 2000 कर देते हैं. दिस इज हाउ यू कैन एंटर. ठीक है, नाउ यू कैन पुट अ फॉर्मूला. You want to see the change. So this is the current price, this is the buy price. So इस तरीके से आप देख सकते हैं. ठीक है, now you want to identify कि इसमें से कौन से stocks negative है, कौन से stocks negative है. तो कैसे identify करेंगे? If you want to identify which all stocks are negative and you want to highlight those, can anyone tell me how we can do that? We can apply the filter on the price. You can apply the filter. Filter. Yes, filter. Sir. No. So we can use the filter function and sort the data. Sort. हाँ, filter. Filter बोल रहे हैं. Okay. ठीक है. नहीं, लेकिन filter से sort हो जाएगा. मैं highlight में data sort नहीं करना चाहता. मैं अपने ये sequence यही रखना चाहता हूँ. And still I want कि मेरे को highlight हो जाए कि कौन-कौन से negative है मेरे. तो इसी के लिए आप सर यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. वेरी गुड, किसने बताया ये? अपना नाम बोल सकते हैं? गौरव आनंद. गौरव, वेरी गुड.
तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब हम एक्सेल की मैं वेबिनार्स लेता हूँ ना, तो आई स्टार्ट टीचिंग एक्सेल एक्चुअली, ठीक है। तो मैं आपको एक मिनट और लूंगा आपका, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता सकता हूँ कि विदाउट यूजिंग द फिल्टर हाउ यू कैन विदाउट मूविंग द डेटा यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से स्टॉक्स आपके नेगेटिव चल रहे हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सही जवाब दिया है। अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम क्या करती है। फॉर्मेटिंग का मतलब कि आप कुछ कलर वाला लगा रहे हैं, कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब कि कुछ कंडीशंस के बेसिस पे हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने चेंजेस लिया है। नाउ आई वांट टू हाईलाइट ऑल द नंबर्स विच आर नेगेटिव, मतलब जो भी लॉसेज है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप बॉटम 10% ले सकते हो कि कौन से स्टॉक्स सही नहीं चल रहे हैं, ठीक है, और उसका कलर डिसाइड कर दो और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। तो देखिए सबसे कम, सबसे जो ज्यादा गिरा है ना, 10 ही स्टॉक से 10 में से सबसे आखिरी जो इन्होंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यू कैन हैव डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, एंड यू कैन चेंज फुट द रूल्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कलर स्केल देना चाहते हैं तो आप कलर स्केल भी दे सकते हैं। तो जो टॉप वाले हैं वो सब ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गए, जो बॉटम वाले हैं वो रेड से हो गए हैं, ठीक है। ये भी माइनस है 6.09, तो ये रेड में दिख रहा है, और जो न्यूट्रल है ज्यादा चेंज यहाँ नहीं हुआ है वो येलो कलर से हो गए। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये था हमारा जहाँ पे हम स्टॉक्स एनालाइज कर रहे थे यूजिंग दिस डेटा टाइप फीचर, ठीक है। चलिए नाउ सिमिलरली यू कैन ट्रैक योर म्यूचुअल फंड्स आल्सो। ये मैंने ट्राई करके देखा एंड समहाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। तो अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड्स लिखेंगे तो उसकी NAVs, उसका रिटर्न्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे DSP स्मॉल कैप हमने लिया है, तो इसका NAV जो है वो दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है, रिटर्न 1 month में कितना है, 1 year में कितना है, 5 years में कितना है, एसेट्स कितने हैं, AUM मतलब कितना एसेट मैनेज कर रही है कंपनी, और म्यूचुअल फंड। तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टॉक्स, यू कैन ऑल्सो ट्रेस योर म्यूचुअल फंड्स हियर, ठीक है। अब हम प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले एक्टिविटीज बता देता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट यू कैन पुट देम इन द चैट बॉक्स, और आप अनम्यूट करके ही पूछ सकते हैं, वी कैन टेक देम नाउ और लेटर ऑल्सो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैं एक योगा का पोज लेता हूँ, कैट पोज। यहाँ पे मैंने लिखा कैट पोज, ठीक है, और मैं डेटा पे गया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ योगा। सो इट हैज चेंज इनटू अ सिंबल, दैट मींस इट इज वर्किंग, मतलब यहाँ पे कुछ डेटा हमारे को दिखेगा। अब देखिए ये कैट पोज में सबसे पहले तो इमेज आ रही है, किस तरीके से आप ये पोज कर सकते हैं योगा का, ठीक है। सो एक्सेल इज टीचिंग यू योगा आल्सो नाउ, दिस इज अमेजिंग, मतलब ब्रिलियंट इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पर, बिगनर के लिए है, लो है, कैसे पोजीशन होगी, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर अ फिटनेस गाय और आप अपने लिए कुछ डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस फीचर एज वेल फॉर दैट, ठीक है। पोजिशन बेनिफिट्स, इम्प्रूव मोबिलिटी, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, ठीक है। इंटेंसिटी लेवल देखना है तो लो इंटेंसिटी लेवल है। इफ यू वॉन्ट टू सी द डिस्क्रिप्शन तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मिल गया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर आउट थिंग्स, ठीक है। जैसे कैमल पोज भी होता है, तो कैमल पोज अगर आप लिखेंगे एंड यू क्लिक ऑन योगा, सो अगेन इट हैज डन, यहाँ पे आप क्लिक करें और बॉडी पोजिशन पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी नीलिंग, ठीक है, मतलब नील्स पे बैंड होके कुछ करना होगा आपको इसमें, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू सी द इमेज तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करें और ये कैमल पोज की इमेज आ गई। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एक्सेल in organizing data, in recording data, and this I found very useful. I hope you are also finding it useful. So if you are finding it useful, you can reply in the chat box ki ha agar aapko interesting lag raha hai, maza aa raha hai, ya
ऐसी चीज आपने पहली बार देखी है तो यू कैन राइट अ चैट यस इन द चैट बॉक्स दैट इज हाउ यू कैन गिव अ फीडबैक फॉर द यस थैंक यू नाउ इफ यू वांट टू सी प्लेसेस ठीक है अभी छुट्टियों का टाइम है एंड एवरीवन इज प्लानिंग वेकेशंस ठीक है नाउ सपोज यू वांट टू गो टू सम प्लेस ठीक है सपोज यू वांट टू गो टू गोवा और आप गोवा के बारे में जाने से पहले पता लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे मैंने यहाँ पे गोवा लिखा है एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन लोकेशन मे बी ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया मतलब ऑप्शंस दे रहा है तो अब वो पूछ रहा है कि गोवा यूनिवर्सिटी देखनी है गोवा सिटी देखनी है आई वॉन्ट टू सी द गोवा सिटी ठीक है तो देखिए यहाँ पे ये आइकन चेंज हो गया ये फिलीपींस ले गया हमारे को हमें तो इंडिया जाना था इंडिया वाले गोवा की बात कर रहे थे ये फिलीपींस ले गया ठीक है सो एनीवेज यू कैन चेक आउट फॉर गोवा एंड देन मे बी इंडिया Yes, Goa, India. This is the right place that I was looking for and I've got. Okay. Ab yahan pe aap select karein or you can click on this icon and see how what information you are getting about this. Sabse pehle to map aa gaya. Okay. Map mein wo highlight kar diya Goa kahan hai. Hum isko copy kar lete hain. Okay. You can click on this also. To ye प्लस आपको एरिया देखना है ठीक है या आप उसका पॉपुलेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पॉपुलेशन आ गई गोवा की ठीक है सिमिलरली यू वांट टू सी द कैपिटल तो कैपिटल आ जाएगा ठीक है उसके बाद में आप पेरेंट रीजन देखना चाहते हैं या सब डिविजन देखना चाहते हैं या लीजिए यू वांट टू सी द लोकेशन मैप अगेन ये आपको यहाँ पे मैप दिख गया है ठीक है So this is how you can explore many things. Now, I want to go to Canada. ठीक है अब Canada पे हमने क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्लिक ज्योग्राफी पे क्लिक कर दिया ठीक है बिकॉज एवरी फीचर गिव्स यू डिफरेंट ऑप्शंस ठीक है अब मान लीजिए कनाडा के ऊपर कोई स्टडी कर रहा है या कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहा है ठीक है तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो कनाडा का देखिए सबसे पहले तो उनका फ्लैग आ गया ठीक है उसके बाद इफ यू वांट टू सी द मेजर सिटी इन कनाडा तो आपको वो मिल जाएगी ठीक है इफ यू वांट टू सी द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो आपको वो मिल गया है यहाँ पर ठीक है इफ यू वांट टू सी द जीडीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री तो आपको यहाँ पे ये जीडीपी भी देखने को मिल गई है इमेज अगर आपको देखनी है सिटी की ये इमेज यहाँ पे ये आ गया है ठीक है तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस टू एक्सप्लोर थिंग्स इफ यू वांट टू सी द फिजिशियंस पर 1000 तो 2 physicians per 1000 है बहुत कम रेट है यहाँ पे इनफैक्ट ठीक है तो इस तरीके से आपको अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना है तो आपको ये मिल गया एंड यू कैन कंपेयर सिटीज अक्रॉस ठीक है द वर्ल्ड So these are many simple things. ठीक है now I was shocked. ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा Apple. ठीक है अब आप बोलेंगे कि Apple के बारे में क्या मिलेगा मुझे जानने को ठीक है अब आप यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लिक कर दीजिए आपके पास आपको नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन काम में लेना है तो Apple सबसे पहले तो इसने 50 कैलोरी इन वन कप मतलब इसने फ्रूट ही बताया ठीक है प्लांट और एक फ्लावर का नाम भी एप्पल है ठीक है तो ये कई चीजें आपको नई भी यहाँ से मिल जाएगी ठीक है अब यहाँ पे आपने क्लिक करा तो बोलते हैं कि an apple a day keeps doctor away ठीक है तो वो क्यों बोलते हैं अगर आप ये देखना चाहते हैं तो फूड टाइप में एप्पल आ गया ठीक है इसमें कितना आयरन है कितना फाइबर है ये सारा चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी कितना कैल्शियम है कितनी कैलोरीज है ठीक है तो ये सारा काउंट आ गया तो इफ यू वॉन्ट टू हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन योर इनटेक ठीक है तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी
ठीक है. सो यू हैव टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन स्टफ व्हाट यू वांट टू सी. कैन यू सर्च फॉर हॉस्पिटल्स इन आवर सिटी एंड डॉक्टर्स सपोज फॉर हार्ट. ओके सो लेट अस सर्च सम हॉस्पिटल्स. तो मैं अजमेर का ही हॉस्पिटल का नाम डालता हूँ. ठीक है. लेट अस सी इफ इट इज गिविंग अस सम इंफॉर्मेशन. सो लेट अस सर्च मित्तल हॉस्पिटल अजमेर. And then again I go to data and automatic question mark आया. ठीक है. तो ये इसको नहीं मिला. अब हम करते हैं Fortis लिखते हैं. देखिए मैंने एम्स लिखा एंड इट इज शोइंग मी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. ठीक है. तो यहाँ पे ये एजुकेशन वाली चीज हमको यहाँ तो ये चीज तो दिखा रहा है. ठीक है. इफ यू कैन वांट टू सी द वेबसाइट वगैरह ये सारे आगे. तो अगर आपको यूनिवर्सिटीज की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आई थिंक हॉस्पिटल्स भी आ जाएंगे. मे बी वी विल हैव टू सेलेक्ट सम रिकग्नाइज्ड और पॉपुलर वन. और मे बी यू कैन अब मेडिकल में जाएंगे. आई थिंक यहाँ से कुछ मिल सकता है. ठीक है. राइट अपोलो या मैं Fortis लिखता हूँ और यू क्लिक ऑन मेडिकल. नहीं आया. ओके एम्स इज पॉपुलर. ठीक है. तो एम्स तो यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. और यहाँ पे आपको सब चीजें मिल जाएगी. सो यू कैन चेक आउट फॉर इंफॉर्मेशन इन दिस वे ऑल्सो. यस यू कैन सर्च फॉर अ सिंगर ऑल्सो. सपोज यू वॉन्ट टू चेक आउट फॉर मे बी वी कैन ट्राई फॉर लता मंगेशकर. ठीक है. और यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया. तो यहाँ हमारे पास लता जी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई है. डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. तो जिस तरीके का डेटा होगा उस तरीके का डेटा हमारे को जो जो अवेलेबल होगा वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी. विकिमीडिया पे जो लिखा हुआ है इनके बारे में वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी. ठीक है. एंड यू गेट टू सी द कहाँ से डेटा आ रहा है वो लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है कि विकिमीडिया से इन्होंने ये विकिपीडिया से उठाया है. सो दिस इज द फीचर दैट एवरीवन कैन एक्सप्लोर एंड यू शुड एक्सप्लोर बेसिकली. स्पेस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, प्लांट्स के बारे में, फूड्स के बारे में, सिटीज के बारे में. ठीक है. लेट अस राइट डाउन जयपुर और मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ सिटीज में. तो यहाँ पे आपको अबाउट जयपुर यू विल गेट एवरीथिंग. ठीक है. डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ये है. वेदर अगर किसी को पता लगाना है कि हाउ इज द वेदर, कितना टेम्परेचर है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी. यस इट कैन बी यूजफुल फॉर टीचर्स. इट कैन बी यूज बाई एनी पर्सन फॉर दैट मैटर. ठीक है. कोई भी यूज में ले सकता है. ठीक है. अब मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे के बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हाउ वी कैन चेक वेदर द डेटा दैट वी आर गेटिंग इज ऑथेंटिक और नॉट. तो ये वॉलफ्रॉम जो है वेबसाइट जहाँ से ये डेटा इंटीग्रेट हो रहा है,
इन्होंने ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करके आर्ट्स एंड मीडिया, इफ यू वांट टू सी सम बुक्स आल्सो, ठीक है, तो अगर आपको बुक्स के बारे में पता लगाना है, बुक्स में से कोई आर्टिकल्स देखने हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है. जैसे सपोज आई राइट द सीक्रेट और मैं इसको सर्च करता हूँ बुक्स में, आप ऑटोमेटिक क्लिक कर लें, यू विल गेट समथिंग. तो सीक्रेट एक मूवी, दिस इज द बुक दैट आई वांटेड टू चेक, तो ये बुक भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है. सो इफ यू वांट टू सी द ऑथर, द पब्लिशर, ठीक है, द टाइटल, इमेज, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. एंड देन यू कैन डीप डाइव इस ऑथर के बारे में, इसने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, क्या क्या है, नेटवर्क क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है. So I hope you enjoyed this session and you learned something new today. That was the objective of conducting this session on how to use Excel as a Google. So data mein, data types mein aapko ye sari cheeze milengi, okay? And you can explore for yourself and you can create something interesting for yourself. Okay? Now, if anyone has any questions or any doubts, then we can take that. And just before we wind up this session, one more thing that I would like to share with you, that I am running a YouTube channel by my name, C. Alok ACT. And on this channel, I upload various information videos on different topics, basically on personal finance and on Excel. So if you want to learn Excel and if you want to learn about personal finances, you can definitely subscribe to my channel. So this is, I'm sharing the link here. So aap is channel ko subscribe kar le and you will get all the updates about the latest videos, because many times people are busy, so they cannot attend live sessions. So I'll put every time there all the sessions that I'm. Thank you, Pankaj. So which version you mentioned in Excel? It is Excel 365. Yes. So it is Excel 365. You can search on Google and you can download it. Or wo aap kaam mein le sakte hain. Theek hai? We are having a community also on WhatsApp. Theek hai? Because it is nowadays everything is on social media. People are connected to social media. So I am everywhere. It is a paid version, but you can use some of the features for free. Because you don't have to buy this, but you can use it. Okay, so I'm sharing a link of my Excel group where I share all these information. Okay, so wo main aapka ye jo iska group ka link hai, wo bhi main chat box mein dal raha hu. You can join that group also. So that you get all the information at the right time, because every Sunday we are conducting some new sessions on some different topic. So I have shared this link also, and उससे आपका प्रगति होगी इन वॉट एवर फील्ड यू आर, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली यू विल हैव सम अपडेट्स फॉर योरसेल्फ एंड यू विल बी इफेक्टिव इन योर वर्किंग. तो इफ यू आर इन जॉब और यू आर इन बिजनेस, अगर खुद का भी कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो आप काम में ले सकते हैं, सीख सकते हैं. सो विश यू ऑल अ हैप्पी संडे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड टेकिंग आउट टाइम एंड स्टे कनेक्टेड. Thank you all.
Thank you.